देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स आपका हार्दिक स्वागत करता है। हम आबूराज में रहते हैं और आबूराज का संबंध हिमालय से है। सिरोही टेम्पल्स की शुरुआत सिरोही से हुई थी। आज हम हिमालय की यात्रा पे निकले हैं। हिमालय का एक शहर पिथौरागढ़, खूबसूरती का पर्याय, प्रकृति का विराट स्वरूप, पर्यटन का एक ऐतिहासिक विश्व स्तरीय सेंटर। आई लव पहाड़, पहाड़ों से प्रेम करते हैं लोग और वहां अनगिनत मंदिर है। आबू की यात्रा के साथ हिमालय की यात्रा का एक विशेष आनंद है। आप पिथौरागढ़ को देख सकते हैं, पिथौरागढ़ की वादियों को देख सकते हैं। ये यात्रा देवभूमि की यात्रा है, हिमालय की यात्रा है, प्रकृति के विराट स्वरूप की यात्रा है, शिव दर्शन की यात्रा है। यहां पहुंचने पर आपको ईश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं। इस यात्रा का श्रेय परम आदरणीय समाज सेविका बहन मधु लक्ष्मी जोशी जी और उनकी सुपुत्री प्रज्ञा जोशी को जाता है, जिन्होंने हजारों किलोमीटर दूर से वीडियो भेजा है। हम श्री कामाक्षी देवी मंदिर पहुंचे हैं। बड़ा अद्भुत मंदिर है। माँ कामाख्या का मूल स्थान आसाम में है, हम जानते हैं। मदन मोहन शर्मा जी, जिन्होंने जो माँ के भक्त थे, जिनका जो फौजी थे, सैनिक थे, फौज में थे, कहते हैं जब आसाम में उनकी पोस्टिंग हुई तो वो दिन की माँ का ध्यान दर्शन करते थे। माँ उनके ऊपर प्रसन्न हुई, उनको दर्शन दिए, कहा कि चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। वो यहाँ आए, यहाँ उन्होंने माँ ने कहा कि इस स्थान पर मेरा मंदिर बनवा दो, मेरी स्थापना कर दो। आप देखिए कि पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर माँ कामाक्षी देवी का मंदिर है। यहां से चारों तरफ हरियाली का विहंगम दृश्य हम देखते हैं। अद्भुत अद्भुत तीर्थ है। 22 मार्च 1972 को मदन मोहन जी शर्मा ने एक बहुत छोटे से रूप में माता जी की स्थापना की इस मंदिर की। इस मंदिर में कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई अध्यक्ष नहीं, कोई उपाध्यक्ष नहीं और सरकारी सहयोग भी नहीं, ऐसा कहते हैं। एक परिवार के प्रयास थे। माता जी ने कहा मेरे नाम से कोई रसीद बुक मत बनवाना, ना किसी के आगे हाथ फैलाना, क्योंकि लक्ष्मी स्वयं मेरे साथ है, वे अपने आप व्यवस्था करेंगी। आप देखें जो वहां पहुंचते हैं वो उनके चेहरे पे रौनक लौट जाती है और धीरे धीरे माँ की माँ साक्षात रूप से माँ को हम प्रणाम करें, अद्भुत अद्भुत दिव्य दर्शन करें। कहते हैं, पुजारी बताते हैं कि माँ कोई सपने में नहीं आती, साक्षात रूप से प्रकट होती है, साक्षात गाइड करती है, साक्षात बताती है कि हमको क्या करना है। पुजारी जी ने अनेक अनुभव बताए, कई भक्तों को इस तरह के अनुभव हुए, भक्तों को साक्षात दर्शन देती है माँ। आप इस मंदिर में अगर पहुँचने का अवसर मिलता है, आप इस YouTube चैनल के माध्यम से ध्यान से देखिए, आप देखिए यहाँ से क्या अद्भुत दर्शन होते हैं पिथौरागढ़ के। यहाँ नैनी सैनी एयरपोर्ट है, करण भी हम देख सकते हैं सामने। यहाँ मिलिट्री का एयर बेस है, मिलिट्री सेंटर है। बहुत निर्मल भाव है लोगों की। मधु लक्ष्मी जोशी जो मेरी प्रेरणा स्रोत है, सिरोही टेम्पल्स प्रणाम करता है, माँ कामाक्षी देवी को नमन करता है और आज ये आनंदित महसूस करता है। प्रज्ञा जोशी जो उनकी बेटी है, उन्होंने
उनसे विशेष आग्रह किया, माँ के दर्शन हम सिरहुई टेम्पल्स के माध्यम से करवाएंगे, करवाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं वो लोग भाग्यशाली है जो वहाँ रहते हैं, लेकिन वो लोग भी भाग्यशाली है जो वहाँ पहुँचते हैं, वो लोग भाग्यशाली है जो सोशल मीडिया के माध्यम से माँ के दर्शन करते हैं। साक्षात है माँ। हम हिमालय दर्शन की कड़ी में आपको और भी कई मंदिर आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं दूर दूर तक हिमालय, हरा भरा हिमालय। आप छोटा सा एक तालाब भी देख रहे हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं। आप यहाँ की लोक परंपरा देखिए, जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो सब मिलकर एक मेले के रूप में लोग इकट्ठे होते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ये अद्भुत शहर है, ये हिमालय का शहर है पिथौरागढ़। और इस शहर में कई मंदिर हैं, उनमें से श्री कामाक्षी देवी का मंदिर बहुत कमाल का। यहाँ कई रेस्टोरेंट है, यहाँ आनंद की अनुभूति होती है जो लोग पहुंचते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रज्ञा जोशी को, मैं धन्यवाद करता हूं बहन मधु लक्ष्मी जोशी जी को, जिन्होंने सैकड़ों किलोमीटर दूर से मुझे ये वीडियो भेजा है। मैं सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से आपको ये वीडियो भेज रहा हूं। ऐसे और कई वीडियो मैं आपको भेजूँगा, आप बस देखते रहें। सिरोही टेम्पल से एक अनंत की यात्रा, एक आध्यात्म की यात्रा, एक संस्कृति की यात्रा। मैं राजेंद्र नरुका, देखिए आप, देखिए ये सब वहाँ इस स्थान पर जाकर लोग मस्त हो जाते हैं। आई लव पहाड़, आई लव पहाड़ का एक भाव प्रकट होता है। आप देखते रहें सिरोही टेम्पल से एक अनंत की यात्रा। नमस्कार।